वेलकम टू माई YouTube चैनल फैक्ट चेक जस्ट। और आज मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूँ एक न्यूज सेगमेंट, और इसमें कुछ हम लेटेस्ट न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूँ आपको एक ऐसी न्यूज जो आपके लिए बिल्कुल ही नई है। एप्पल XR आपने सुना ही होगा और आपने देखा भी होगा मोस्ट ऑफ लोगों ने उसको। आपने देखा होगा तो एक जो चार्जिंग सिस्टम होता है वो टाइप सी सपोर्ट नहीं करता है, वो नॉर्मल चार्ज जो पहले चला करता था वो सपोर्ट करता है। तो एक रोबोटिक्स स्टूडेंट ने एक XR आईफोन को लेके उसमें टाइप सी चार्जर को जोड़ दिया है, और ना सिर्फ जोड़ा है बल्कि टाइप सी चार्जिंग इज प्रॉपरली वर्किंग इन इट। और आपको जान के हैरानी होगी, इस फोन की जो टोटल प्राइस अब बन गई है वो बन गई है 74 लाख। और दुनिया में एकमात्र ऐसा आईफोन है ये जो टाइप सी चार्जर को सपोर्ट कर रहा है। इटली में पोम्पियो नामक जगह है एक, यहां पर जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो हमारा सर्च करते हैं रिसर्च करते हैं पुराने जमाने की चीजों को, इन्होंने 2000 साल पहले यानी एग्जैक्टली 2000 ईयर्स अगो स्लेवरी रूम ढूंढा है, यानी स्लेव्स को जहाँ रखते थे, जहां उनको यूज करते थे एज अ स्लेव, उस रूम को ढूंढा है। तो इससे मालूम पड़ता है कि इटली के अंदर स्लेवरी कितना पुराना यूज होने वाली चीज है। और आपको पता ही होगा कि इटली तो वैसे भी मशहूर था अपनी इन बेकार प्रथाओं के लिए, लाइक स्लेवरी लाइक अदर रॉन्ग थिंग्स। हमारे आज का अगला फैक्ट है, अगली न्यूज है, ये है एक नई क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इसका नाम है लॉर्ड एच। और इसकी वैल्यू क्यों बढ़ गई है, इसका मार्केट प्राइस क्यों बढ़ गया है, क्योंकि जस्ट अभी कुछ टाइम पहले एलन मस्क ने अपना ट्विटर नेम चेंज किया है एच लोन करके। इसी वजह से जो ये करेंसी है लॉर्ड एच, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई चला गया है। और ये जैसे करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, जैसे आपने सुनी होगी पहले बिटकॉइन वगैरह, उसी तरह से करेंसी है ये। आपने सुना होगा बहुत से लोगों ने, होता है जानते ना हो, एक चीज होती है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। एक तो सुना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक होती है वेव्स। और 1916 में यानी 1916 में जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने बताया था, उन्होंने रिसर्च की थी कि जो स्पेस है हमारा उससे जो हमारी धरती है उस पर ग्रेविटेशनल वेव्स आती हैं, फ्लोट करती हैं। और तब लोग बड़ा मजाक करते इस बात की इस बारे में, लेकिन अभी जस्ट कुछ टाइम पहले नासा ने और जितने भी ये हमारी सोसाइटीज हैं या जो हमारी जैसे इसरो है, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्च करती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, वेव्स के बारे में, स्पेस के बारे में, इन्होंने बताया है कि सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल वेव्स, एग्जैक्ट नंबर इज 35 ग्रेविटेशनल वेव्स ने हिट किया है अर्थ को जस्ट कुछ टाइम अगो। और ये बिल्कुल नई मिस्ट्री है कि ये वेव्स कहाँ से आती हैं, कहाँ फ्लोट करती हैं और इनके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं हमारी अर्थ पर, ये जानने के लिए आई एम रियली एक्साइटेड। और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो रिसर्च बढ़े इस तरफ, एंड आई होप कि आप लोग भी जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं। क्या किसी को पता है इस बारे में, क्या किसी रिसर्च की है इस बारे में? अगर की है तो वो कमेंट करके बता सकता है हमारे को कि एग्जैक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स का मतलब क्या होता है और ये क्या प्रॉफिट या लॉस कर सकते हैं हमारी अर्थ का। आखिरी न्यूज है आज की, वो नासा और USGS से आ रही है। आपको पता ही होगा कि हमारा एक स्पेस के लिए ज्यादा अधिक रुझान है, हम ज्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में। और मेरे चैनल में मैं चाहता हूँ कि जो लोग हैं स्पेस के बारे में ज्यादा समझें और ज्यादा जानें। तो सैटेलाइट लॉन्च की थी नासा ने LandSat 9 नाम से, इसने अपनी पहली पिक्चर जो भेजी अर्थ की वो नासा ने और USGS ने रिलीज की है। और ये बहुत ही अमेजिंग पिक्चर है क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में, काफ़ी गहराई में ये पता लगाती है कि ऊपर से अर्थ को जो हम देखते हैं वो तो है ही, साथ में इसकी सॉइल क्या है, क्या उसके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उसको काफ़ी हद तक बताती है। और जो लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में, नासा के बारे में, स्पेस के बारे में और इस तरीके के नए ग्रह, नई चीज़ों के बारे में, वो हमारे चैनल पर जरूर जुड़े रहिए। और अगर किसी को कोई राय या सपोर्ट करना है तो प्लीज़ शेयर विद अस। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, प्लीज़ शेयर इट एंड सपोर्ट आवर चैनल सो दैट हम लोग काफ़ी मोटिवेट रहें और हम आपके ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के देते रहें। थैंक यू वेरी मच।